हाय यू गाइस, इट हैज़ बीन अ वाइल एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द कवर पिक, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइडल लुक सिखाने लगी हूँ मैं. आई फील आई लव द आईज इन दिस लुक द मोस्ट. इतना परफेक्ट ब्रॉन्ज ग्लिटर है और एक बहुत इन डेप्थ वीडियो होने लगी है. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच इट टिल द एंड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप इन वेरी डिटेल सो दैट आप जब इसको रिक्रिएट करो आपको कम से कम प्रॉब्लम्स आए एंड इट शुड बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज. सो एज़ यू कैन सी मैंने कंसीलर से स्टार्ट किया है. कंसीलर लेके मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है. तो आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो. एंड आफ्टर ब्लेंडिंग मैंने एक पाउडर सेटिंग कर दी और अब मैं एक ब्राउन कलर का काजल पेंसिल लगा रही हूँ. सो गाइज, ब्राउन काजल पेंसिल, यू डोंट हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ब्रांड. आप कोई भी यू नो ब्रांड से कर लो उसको, बस वो क्रीमी होना चाहिए एंड स्मज हो जाए, दैट्स ऑल. हमें थोड़ा सा बेस ही चाहिए होता है, दैट्स ऑल. सो अब आप देखो मैं इसको ब्लेंड कैसे कर रही हूँ. थोड़ा सा मैंने लगाया है तो मैंने इसमें दोनों आईज पे पहले पेंसिल देकर ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया. पर आप पहले एक आई पे लगा के उसको ब्लेंड कर सकते हो, उसके बाद फिर सेकंड आई एंड देन यू कैन ब्लेंड. एंड नाउ यू कैन सी मैंने एक डार्क ब्राउन शेडो लिया है. तो जब भी आप कोई आई शेडो लो ना गाइस, आपको कलर थियरी पता होनी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप अपनी पैलेट देख रहे हैं, आपको उसमें साफ साफ दिखेगा कि डार्क ब्राउन कौन सा है एंड मीडियम ब्राउन कौन सा है एंड लाइट ब्राउन कौन सा है, न्यूड शेड्स कौन से हैं. सो आपको इतना पता होना चाहिए कि डार्क ब्राउन हमारी आई पे कहाँ पर जाते हैं. तो यूजुअली आउटर वी ऑफ द आई पे डार्क कलर्स जाते हैं, जो कि मैंने दे दिया ऑलरेडी. और अगर मैं आउटर वी से ऊपर जा रही हूँ, जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि अभी मैं ब्रश अपना जहाँ पे घुमा रही हूँ, दैट इज़ बेसिकली अबव द क्रीज लाइन, तो वहाँ पर मेरा मीडियम ब्राउन कलर आता है. सो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कलर्स क्लियरली. तो आपने अपना आई मेकअप भी ऐसे ही करना है, ठीक है. सो यू कैन सी क्रीज लाइन तो डार्क ब्राउन था, उससे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर मैं लाइट ब्राउन लगा रही हूँ. और जो लाइट ब्राउन या मीडियम ब्राउन, सॉरी, जो भी आपने लगाना है, वो आपने ऑलमोस्ट हाफ आउटर साइड पर लगाना है और अंदर वाली साइड सिर्फ आपका स्मोक आना चाहिए. हमें मेन इंटेंसिटी आउटर पोर्शन ऑफ द आई में चाहिए, नॉट टूवर्ड्स द इनर साइड. इनर साइड पे जो ब्रश में बच जाता है सिर्फ वही कलर आएगा एक स्मोक्ड इफेक्ट देने के लिए. ऑल राइट, सो अभी मैं बस, आप देख लो कि मैं अपने कलर्स को बस इंटेंसीफाई कर रही हूँ बार बार ब्लेंड करके, क्योंकि पहले डार्क ब्राउन था, फिर मैंने मीडियम ब्राउन लगाया, मैं उनके बीच वाला शेड लगा के उन दोनों को आपस में मर्ज कर रही हूँ. सो इसी से आपके आई मेकअप बहुत अट्रैक्टिव लगता है, एक ग्रेडेशन आती है और कोई वॉल्स नहीं होनी चाहिए योर आई मेकअप. मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ. ओके, सो मैंने अपना डार्क और लाइट कलर दोनों अप्लाई कर लिए हैं और अब बस मैं एक लाइनर का बेस देने के लिए कोई भी यू नो डार्क ब्राउन या डार्क ब्राउन को ब्लैक में मिक्स करके मैं एक पतले से यू नो स्मॉल पेंसिल ब्रश से, प्रिसाइज पेंसिल ब्रश से उनको एक लाइनर एप्लीकेशन दे रही हूँ. सो ये मेरे को हेल्प करेगा जब मैं ग्लिटर प्लेस करूँगी तो मैं इस लाइनर वाले एरिया पे ग्लिटर नहीं लगाऊँगी, बिकॉज एनीवे यहाँ पे मेरा आईलाइनर आ जाएगा. ओके, तो शेडो से मेरे को एक जगह पता चल जाती कि यहाँ इससे नीचे मैंने ग्लिटर अप्लाई नहीं करने. और उसके बाद मैं एक अगेन एक क्लीन पेंसिल ब्रश लेकर मैं उनको हाईलाइटर दे रही हूँ. सो हाईलाइटर भी बहुत अच्छा एक यू नो डायमेंशन क्रिएट कर देते हैं इन द आईज, सो नेवर फॉरगेट द स्टेप. इनर कॉर्नर में और अंडर द ब्राउ बोन आपने देना है. और बिकॉज मेरे को पता था मैंने ब्रॉन्ज ग्लिटर यूज़ करना है, तो मैं एक ब्रॉन्ज शिमर उनको दे रही हूँ ऑन हर क्रीज एरिया. तो हल्का हल्का शिमर लगा दोगे क्रीज एरिया के ऊपर एंड ब्राउन कलर का ही लगा रही हूँ मैं, ना कि गोल्डन या किसी और कलर का, बिकॉज मेरे को पता था मैंने इनको ब्रॉन्ज ग्लिटर देने हैं. ऑल राइट, और क्रीज तक ही आपने रखना है, पूरी आँख पे नहीं फैलाना, आउटर कॉर्नर तक नहीं लेकर जाना. सो अब मैं ये मेकअप स्टूडियो की जेल यूज़ कर रही हूँ. अब ध्यान तो देखो मैं इसको कैसे अप्लाई कर रही हूँ. एक तो जहाँ जहाँ जिस एरिया तक मैंने इसको रखना है मैंने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और सिर्फ हम इनर पोर्शन में ही इसको लगाएंगे, आउटर जहाँ पे हमने डार्क कलर दी वहाँ तक नहीं लेकर जाएंगे. तो इसमें मैंने तीन ग्लिटर्स मिक्स किए थे, दो ग्लिटर से LIT से, एक कलर था ब्रॉन्ज और एक था शैम्पेन विशेस, और एक मैंने सिल्वर कलर एक का ग्लिटर भी मिक्स किया इसमें ताकि थोड़ा सा सिल्वर टच भी आ जाए, सारा एकदम गोल्डन ना हो जाए. सो कोई भी सिल्वर कलर, कोई भी आप ब्रांड का लगा सकते हो इसमें. ओके, एंड यू कैन सी बहुत ही प्यारा मिक्सचर बना, और जैसे जैसे आई मेकअप होगा तो और सुंदर दिखेगा. अब मैं स्किन प्रेप कर रही हूँ. सो आई आस्क्ड हर उनकी स्किन टाइप क्या है. शी सेड शी हैड ड्राई स्किन, और अभी समर्स में उनकी नॉर्मल हो गई काइंड ऑफ,
तो मैं एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र दे रही हूँ ऑल ओवर हर फेस, नॉर्मल क्वांटिटी में दे रही हूँ। आप अगर ड्राई स्किन है बट यू नो अगर ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आपने ओवर अप्लाई नहीं करना मॉइस्चराइज़र, उससे आपका बेस कल को क्रैक हो सकता है। एंड शी ऑल्सो सेड कि उनको स्वेटिंग होती है, तो ये मैं रिकोट का एस ऑफ बेस प्राइमर लगा रही हूँ सो दैट इनको स्वेट कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ भी मिले। एंड द रीज़न आई एम यूजिंग दिस प्राइमर ओनली इज़ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ये बहुत हैवी प्राइमर नहीं है, सो आई फील दिस विल वर्क ग्रेट ऑन हर स्किन टाइप। यू कैन सी थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी लगाई है, एंड मैंने उनसे पूछ लिया था दैट आपके कहाँ पर होती है ज़्यादा स्वेटिंग, सो जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ वहाँ पर मैं उनको प्राइमर दे रही हूँ सो दैट मेकअप थोड़ा और लॉन्ग स्टे कर जाए। प्राइमर्स में भी वैरायटी होती है बट आई फील दिस इज़ अ गुड प्राइमर फॉर हर। आप कोई वाटर बेस्ड प्राइमर भी लगा सकते हो, ड्राई स्किन टाइप है तो आप उस पर आराम से वाटर बेस्ड प्राइमर भी दे सकते हो। एंड अब मैं इनकी कलर करेक्शन स्टार्ट करूँगी। सो ये टू फेस से मैं करने लगी हूँ, दोनों शेड्स आपने देख लिए, तो एक डार्क था एक थोड़ा सा लाइट था, तो मैं लाइटर वाले से कर रही हूँ बिकॉज उनकी बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेशन नहीं है। एंड द कलर दैट आई एम यूजिंग इज लाइट पीच। जो दूसरा शेड था वो वॉर्म बीच था, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड कलर टू एड इन टू योर वैनिटी फॉर कलर करेक्शन पर्पस आई गेस। एंड ध्यान से देखो कि मैं कौन कौन से एरियाज पर उनको करेक्टर दे रही हूँ। एंड आई बिलीव कि जितनी कम क्वान्टिटी दो उतना बेटर है, बट बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए बिकॉज कलर करेक्शन ऐसा स्टेप है जो आपका यू नो बेस को ऐशी नहीं होने देगा। सो अच्छे से करनी है करेक्शन, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लो, तो थोड़ा डॉट डॉट करके लगा दो हर जगह पर, दैट इज़ आई गेस गुड इनफ। एंड अराउंड द माउथ एंड अंडर द आईज, कभी कभी मैं फोरहेड पर भी दे देती हूँ बट टुडे आई जस्ट अवॉइडेड इट। सो गाइस बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से आपने ब्लेंड करना है उसको अंडर द आई, ज़्यादा दबा के करोगे बहुत तेज़ करोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, सो जस्ट बी जेंटल वेदर यू आर ब्लेंडिंग इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। जितना सॉफ्ट हैंड रखोगे उतनी अच्छी कवरेज आपको मिलेगी। एंड क्लाइंट को ऐसे ही आपने बोलना है कि ऊपर देखो सो दैट आप इजीली उसको ब्लेंड कर पाओ, एंड उसको अच्छे से यू नो इनर कॉर्नर ऑफ द आई तक भी आपने कवरेज देनी है ऑफ योर करेक्टर बिकॉज इनर कॉर्नर ऑफ द आई ग्रे नहीं दिखना चाहिए। अब मैं डियो की फाउंडेशन इनके लगाने लगी हूँ, और जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ बेसिकली इनकी स्किन टोन जैसा ही कर रही हूँ बिकॉज यू नो शी हैड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक हर वे टू फेयर, तो ऑलमोस्ट स्किन टोन जितना ही मैंने शेड यूज़ किया है। और जो मैंने शेड यूज़ किया है दैट इज़ 2N, ये बहुत अच्छा शेड है डियोर का, और डियोर की फाउंडेशन एक्चुअल में ड्राई स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छी है, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, इट इज़ दी डियोर फॉरएवर ग्लो एंड द शेड नेम इज़ 2N। सो एज आई ऑलवेज टेल यू गाइज कि फाउंडेशन हमेशा एक बहुत पतली लेयर में लगाया करो, बहुत भर भर के ना लगाओ बिकॉज जब हम कंसीलर्स एंड ऑल से हाई लाइटिंग करेंगे उससे एनीवे कवरेज आ जानी है, और हमारे ऑलमोस्ट यू नो फेस को इतनी नीड नहीं होती कवरेज की। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू दी हाई लाइटिंग पार्ट, सो उसके लिए मैं एक फेयर न्यूट्रल टार्ट का शेड ले रही हूँ अंडर दी आईज, थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज, थोड़ा सा फोरहेड पर, एंड अराउंड द माउथ इन राउंड सर्कल मोशन। ओके, एंड मैं क्या करती हूँ कई बार अगर मेरे को इसी कलर को थोड़ा सा ब्राइट करना होता है तो मैं डायरेक्टली एकदम वाइट कलर नहीं लगाती, मैं हल्का सा लाइटर टोन ऑफ कंसीलर दे देती हूँ, बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा ऑन दी हाईएस्ट पॉइंट्स। तो आपने देख लिया होगा कि बिल्कुल आई के नीचे थोड़ा सा यू नो ऑन दी क्यूपिड बाउ ऑन दी चिन हल्का सा दिया है, सो दैट वो एक और अच्छा डायमेंशन ऐड करते आपके कंसीलर और हाईलाइटिंग पार्ट में। And now you just blend it. And I like to use brushes for blending. You can use brushes, you can use beauty blender, whatever floats your boat. The end result should be actually flawless. तो आप देख लो कि आपको क्या सूट करते हैं आपके हाथ पर। और जहाँ जहाँ पर आपने हाईलाइटर या ये यू नो कंसीलर लाइट कलर का लगाया वहीं वहीं पर इसको ब्लेंड करने का कोशिश करना, पूरे फेस पर नहीं हमने देना बिकॉज उससे जो हमारा पर्पस है हाईलाइट करने का वो सारा डिफ़ीट हो जाएगा। सो हमें सिर्फ यू नो सेंटर पॉइंट्स ऑफ द फेस को हाईलाइट करना है, हमें फुल फेस को नहीं करना, सो दैट हमारे फेस में अपने आप ही ब्रॉन्जिंग हो जाए। अगर आप पूरे फेस पे दे दोगे तो अगेन हमारा फेस एक ही कलर का हो जाएगा। सो अगर आपको थोड़ा सा HD या यू नो 3D लुक देना है तो जहाँ जहाँ पर लगा रहे हो बस वहीं वहीं पर ब्लेंड करो।
एंड थोड़ा मैंने फोरहेड पे ज़्यादा इसलिए स्प्रेड किया ताकि वो छोटा था फोरहेड, सो आई वांटेड कि थोड़ा सा और ब्रॉड लगे, दैट वाज द ओनली रीज़न. बट आप आईज़ के नीचे भी देखो कि मैं बस उसको हल्का सा लेकर जा रही हूँ टूवर्ड्स हर हेयर, बाकी सारा पोर्शन मैंने खाली छोड़ दिया है. ठीक है, तो हमारी ना आँखों के नीचे काइंड ऑफ एक ट्राइंगल बनना चाहिए. सो मेरा मेजर पर्पस वही रहता है कि वो ट्राइंगल फॉर्म हो और अराउंड द माउथ हाईलाइटेड हो. पूरा फेस मेरे को हाईलाइट करना पसंद नहीं है. एंड अभी बस मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट एक इवन लेयर हो जाए ऑल ओवर द फेस. एंड इस वीडियो में आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू हाउ टू डू क्रीम कॉन्टोरिंग, बिकॉज जैसे आप उनका फेस देख रहे हो इट इज़ मोर टूवर्ड्स लाइक अ राउंड शेप, सो आई वॉन्टेड टू गिव हर मोर ऑफ अ चिजल्ड लुक, सो आई विल टीच यू हाउ डू आई डू दैट. सो पहले तो मैंने उनको एकदम फ्रंट फेस से देखते हुए, अब आप देखो कि अभी से उनका फेस ना चिजल लग रहा है, तो मैंने कॉन्टोरिंग नॉर्मल वे में नहीं की, मैंने एक कप ड्रॉ किया है और एक उनके अराउंड द माउथ मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सो दैट उनकी फेस है ना और शार्प लगे. आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट कैन यू जस्ट सी द डिफरेंस. ओके, क्योंकि मैं इन एरियाज़ को दबाना चाहती हूँ उनके फेस में सो दैट जो यहाँ पे हाईलाइटर लगाए सिर्फ वो ज़्यादा दिखे, जो इस एरिया के पीछे वाला है एरिया वो सारा का सारा छुप जाए. सो यू नो इससे एक इल्यूजन क्रिएट होगी कि उनका फेस स्लिमर है. एंड आप कोई भी डार्क कलर का यू नो डार्क ब्राउन कलर के कलर से ऐसे हाईलाइटिंग और कॉन्टोर कर सकते हो, सॉरी हाईलाइटिंग नहीं कॉन्टोर कर सकते हो. एंड ये जो शेड मैंने यूज़ किया दिस इज़ मोर लाइक अ ब्रॉन्जर शेड. कुछ ब्राउन्स होते हैं वो बहुत ही ग्रे या डार्क होते हैं, इतना भी हमने डार्क नहीं करना, तो ये थोड़ा ब्रॉन्जी शेड है तो ये नेचुरल भी लगता है और बहुत ज़्यादा इंटेंस भी नहीं हो जाता है. इससे फिर भी फेस के जो हमने कट्स अचीव करने होते हैं वो भी आ जाते हैं. ये मैंने काफ़ी यू नो मोटी लेयर लाइक यू कैन सी कि मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 फिंगर्स जितनी विथ होगी मेरे कॉन्टोर की. आप चाहो तो उससे कम भी कर सकते हो, बट मेरे को पता था जब मैं पाउडर वर्क करूँगी तो छुप जाएगा एनीवे, तो मैं उसको हैंडल कर लूँगी. बट अगर आप नहीं कर पाओगे विद योर पाउडर वर्क तो इससे थोड़ा सा कम लगा के लाइक पतली लाइन लगा के आप उसको उसी जगह पे ब्लेंड कर दोगे, उससे भी आपको अच्छा कॉन्टोर मिल जाएगा. तो उसकी विथ अराउंड लाइक 1 फिंगर हो आपकी सो दैट यू नो फेस एक्चुअल में दबे. सब देखो, अब आप इनके फेस को देखोगे ना आपकी इंस्टेंटली नज़र हाईलाइटेड एरियाज पर जाएगी, जहाँ जहाँ पे ब्रॉन्जर है ना वहाँ वहाँ पे नज़र जाएगी ही नहीं. एंड आपने अपना ब्लशर वही एरिया पे लगाना है जहाँ पे ब्लशर की प्लेसमेंट होती है, लाइक ब्रॉन्जर के अकॉर्डिंग नहीं करना, चाहे ब्रॉन्जर के ऊपर आ रहा नो डाउट बट स्टिल उसकी प्लेसमेंट सही जगह पर होनी चाहिए कि आप मिड ऑफ द फेस में लगा रहे हो एंड इन एन अपलिफ्टेड वे. कॉन्टोर लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए आपका ब्लशर, अदरवाइज फेस लुक्स ड्रूपी. सो ये मैंने दो कलर के ब्लशर्स को मिक्स किया था, वो रिकॉर्ड से ही थे एंड शेड नेम मैं आपको बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा सॉरी. बट बेसिक थिंग वॉज कि मेरे को बहुत लाइट भी नहीं चाहिए था ब्लशर और मुझे बहुत पिंकी भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ये ब्राउन आइज़ है सो आई डोंट थिंक कि पिंक बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा, पीच भी नहीं करेगा. तो मैंने पिंक और पीच को मिक्स करके कलर बना के उनको ब्लशर दे दिया. अब मैं उनकी पाउडर सेटिंग कर रही हूँ. सो हमने अंडर दी आई बहुत अच्छे से पाउडर सेट करना है टाइम लेके, और जैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर को करोगे ना सेट, बेसिकली बहुत ही कनेक्टेड मूवमेंट्स होनी चाहिए. आपका ब्यूटी ब्लेंडर ये नहीं इधर से उधर घूम रहा है, मतलब डॉट डॉट हल्के हल्के से ऐसे मोशन में हो कि कनेक्टेड हो वो, राइट. बहुत गैप नहीं होना चाहिए फर्स्ट डैब और सेकंड डैब के बीच में, उसी से आपकी प्रॉपर सेटिंग होगी. सो ये मैंने रख दिया विद अ ब्यूटी ब्लेंडर अंडर द आई एंड आई एम यूजिंग पाउडर बाय शनैल इन द शेड 10. ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो आप कर सकते हो. अराउंड द माउथ मैंने अच्छी क्वांटिटी दी है, ऑल ओवर द फेस मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी दी है as compared to the eyes. एंड जब आप आइस को सेट कर दो ना विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, देन आपने हमेशा ब्रश लेके थोड़ा सा पाउडर रख देना है अंडर द आई सो दैट बिल्कुल भी क्रीजिंग ना हो. अब मैं एक ब्रॉन्जर कर रही हूँ, सो यू कैन सी मैं लिटरली ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, मैं कोई डार्क कलर नहीं उठा रही, मैं एकदम लाइट कलर से अराउंड द फेस उनको जहाँ जहाँ पे भी कॉन्टोर होते हैं ना जॉ लाइन पर, थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा जहाँ पे हमारा कॉन्टोर लाइन होता है अंडर द चीक बोन, हल्का सा मैं यू नो नोज के कॉन्टोर को आईब्राउ से कनेक्ट कर रही हूँ एंड अराउंड द फोरहेड.
सो ये सब मैं काम कर रही हूँ. नाउ आई एम यूजिंग डियोर्स पिंक ब्लशर बिकॉज द वन दैट आई अप्लाइड अर्लियर वॉज क्वाइट लाइट, सॉरी वॉज क्वाइट डार्क एक्चुअली. तो मेरे को उसके ऊपर एक लाइट ब्लशर देना है बिकॉज अगर मैं इसी के ऊपर डार्क दे दूँगी तो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस डार्क ब्लशर दिखेगा. सो जहाँ जहाँ पे यू नो मैंने लिक्विड लगाया था वहीं वहीं पे मैं पाउडर दे रही हूँ ऑन द चीक्स, थोड़ा सा ऑन द नोज. एंड अब मैं हाइलाइटर्स यूज़ कर रही हूँ. वन इज़ फ्रॉम मैक, मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल, और एक डियोर का हाइलाइटर. दोनों को मिक्स कर रही हूँ बिकॉज मैक थोड़ा सा और इंटेंस है एज़ कम्पेयर टू डियोर, बट डियोर गिव्स यू वेरी स्किन लाइक फिनिश. सो आई एम मिक्सिंग बोथ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. एंड ये आपको यू नो बार बार लेयर करना है. एक ही बार में आप इंटेंसली अप्लाई करोगे तो उससे काफ़ी हार्श एप्लीकेशन हो जाएगी, तो सॉफ्टली आपने बार बार अप्लाई करते रहना है एक ही एरिया पे ताकि यू नो वेरी सॉफ्ट एप्लीकेशन हो. एंड आई वांट टू गिव हर अ वेरी नेचुरल ग्लो. मुझे बहुत ही ब्लाइंडिंग नहीं करना बट बहुत सटल भी नहीं चाहिए. सो यू कैन ऑलरेडी सी कि काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है उनके फेस के ऊपर. इट इज़ नॉट टू इंटेंस बट द ग्लो इज स्टिल विजिबल. सो इतना ही हमने देना है चिन के ऊपर, क्यूपिड्स बाव के ऊपर, थोड़ा सा फोरहेड के ऊपर. यू नो मैंने फोरहेड को बहुत इंटेंस नहीं कर रही, हल्का सा बट दे भी रही हूँ सो दैट दूर से अच्छा लगे और विद टाइम काफ़ी ग्लो आ जाएगा उनके स्किन में. सो नाउ यू कैन सी मैं उनके आईब्राउज़ कर रही हूँ. एंड आईब्राउज़ में थोड़ा यू नो ब्राउन कलर लेके, लाइक डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन कलर लेके उससे कर रही हूँ. मैं ग्रे टोन में नहीं जा रही, यूजली मैं ग्रे टोन में भी देती हूँ बट इस बार मैं देखना चाहती थी कि ब्राउन टोन में कैसा लगेगा. एंड आई मेकअप भी ब्राउन टोन्स में है तो यू नो आईब्राउज भी आई फेल्ट कि थोड़ी चॉकलेटी ब्राउन कलर की सुंदर लगेंगी, जो कि लग भी रही हैं. सो आईब्राउज मैं सिर्फ एक आई शेडो से कर रही हूँ जो मैं अपनी आई शेडो पैलेट से यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग जेम्स चार्ल्स पैलेट. सो गाइज आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है उसमें आई एम श्योर एक डार्क ब्राउन, एक चॉकलेटी ब्राउन कलर तो होगा ही होगा, ब्लैक कलर भी होगा. तो आप चाहे तो यू नो चॉकलेटी ब्राउन को ब्लैक में थोड़ा सा मिक्स करके कलर बना के आईब्राउज कर सकते हो. आफ्टर डूइंग हर ब्राउज आई एम गोइंग टू गो अहेड विद दी लोअर आई मेकअप. लोअर आई मेकअप का बेस्ट वे है कि आप पहले सबसे लाइट कलर लो जो भी आपने ट्रांजिशन के लिए लिया होगा. फॉर एग्जाम्पल आप पिंक कलर ले लो या पीच कलर ले लो, एक बहुत लाइट कलर लेके ना एक बेस बना दो. और ये बेस आपको हेल्प करेगा आगे जब आप डार्क कलर्स अप्लाई करोगे. तो बेसिकली आपका डार्क कलर ये लाइट कलर से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर ही आपने डार्क कलर्स को रखना है तो सबका आई मेकअप बहुत सुंदर लगेगा. अब वही मैं काजल पेंसिल लेके, ब्राउन काजल पेंसिल लेकर उनको दे रही हूँ. थोड़ा ज़्यादा मैंने रखे ऑन दी आउटर कॉर्नर और अंदर वाली साइड मैंने पतला काजल दिया है, ठीक है. एंड एक सॉफ्ट हैंड से और एक प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश से मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ अब. और पहले जहाँ पे ज़्यादा लगाया था उसी को ब्लेंड किया है एंड थोड़ा थोड़ा वो डार्क ब्राउन अंदर की साइड भी लेकर जा रही हूँ. बट मेरी मेन कोशिश यही है कि ज़्यादा इंटेंसिटी रहे ऑन दी आउटर साइड. सो इस पॉइंट पे उनको वाटरिंग स्टार्ट होगी. सो आई गेव हर अ क्यू टिप कि आप उसको अपने यू नो इनर कॉर्नर में रख लो इन दी आई एंड जो एक्स्ट्रा वाटर है अब्सॉर्ब हो जाएगा. अब मैं एक ब्लैक काजल पेंसिल ले रही हूँ सो दैट जो काजल मैंने ब्राउन कलर का अंदर लगाया था वो थोड़ा और इंटेंस हो जाए. आप अभी भी देख सकते हो कि यू नो इनकी आईज़ काफ़ी आईज़ नहीं सॉरी इनका फेस काफ़ी चिजल्ड एंड अच्छा लग रहा है. लाइक ये कॉन्टोर भी हुआ पड़ा बहुत 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 नेचुरल वे में हुआ है. लाइक यू कांट सी एशी कलर्स. बेसिकली हमने ब्रॉन्जिंग की है इनकी, ब्रॉन्जिंग ब्रॉन्जर के टोन से हमने कॉन्टोर दिया है इनको. सो लोअर आई मेकअप इज डन गाइस. एंड अभी बस मैं टचअप्स दे रही हूँ एक ट्रांजिशन कलर लेके, लाइक अ पिंक या पीची कलर लेके ऊपर ऊपर वाली साइड दे रही हूँ थोड़ा सा ट्रांजिशन सो दैट थोड़ा और स्मोकीनेस आ जाए आइस के ऊपर. सो आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. और जो मैंने अंडर आई पाउडर रखा था उसको मैं हल्का सा हटा रही हूँ विद माय ब्लशर ब्रश. आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा लोग पिंक पाउडर यूज़ कर रहे हैं बट आई एम लाइक कि आप ऐसे ही पाउडर रख दो और उसको अपने ब्लशर ब्रश से हटा दो जो थोड़ा बहुत पिंक होएगा ना आपके ब्रश में वो भी आपको पिंकीनेस दे ही देगा अंडर दी आईज. लाइक दैट विल कैंसिल दी येलो ऑफ दी अंडर आई पाउडर दैट यू जस्ट गेव बट इतना नेसेसरी नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाएगा नो डाउट. अब मैं एक फिर से उनके आईज़ को इंटेंस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक आई शेडो. एंड लैशेज़ मैं इनको दूंगी विच आर बाय ब्यूटीलिशियस.
और ये मेरी फेवरेट लैशेज़ है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है ब्यूटीलिशियस की लैशेज़ फॉर यू नो ए गुड हैवी लैश इफ़ेक्ट, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। एंड उससे पहले मैं इनको मस्कारा दे रही हूँ अच्छे से, बिकॉज मैंने अपनी लैशेज को स्पॉइल नहीं करना था ज़्यादा, एंड दिस इज़ ओनली फॉर अ शूट पर्पस। सो मैंने पहली मस्कारा दे दिया, उसके बाद मैं लैशेज लगाऊंगी, सो दैट मेरे को बाद में ना लगाना पड़े मस्कारा ऑन टॉप ऑफ लैशेज, एंड मैं ये लैशेज को दोबारा रीयूज़ कर पाऊँ। तो लैश ग्लो लगा के हमने लैश को भी अच्छे से फिक्स कर दिया है, एंड आई एम ऑलरेडी लविंग दी लुक। बहुत ही प्यारा स्मोकी लुक क्रिएट हुआ है। एंड नाउ आई हैव डन हर लिपर। मैंने ये अभी मेबलिन का एक पोएट कलर लगाया है, और उसके ऊपर अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसको स्प्रेड करने के लिए दैट इज़ सेडक्ट्रेस। यू कैन सी दोनों कलर्स डिफरेंट है। बीच में हमेशा आप सेंटर सेंटर में आपने हमेशा लाइट कलर लगाना है, उसको स्प्रेड करना है हमेशा डार्क कलर से, ठीक है। सो मैं सेडक्ट्रेस से बहुत ही अच्छे से उसको स्प्रेड कर रही हूँ आस पास। ये मेबलिन के शेड्स एक्चुअल में बहुत प्यारे हैं, ये दोनों शेड्स अपने वैनिटी में रख सकते हो। एंड अब मैंने उनको यू नो विद द हेल्प ऑफ क्रीम लिपर, मेरी PSE की पैलेट से मैंने बाकी भी लिपर को टचअप कर दिया। अब मैं ये बेसिक टचअप स्टेप्स कर रही हूँ, लाइक थोड़ा सा ब्लशर और लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को कम लग रहा था। सो वही जो मेरा पिंकी ब्लशर है बाय डियोर, दैट इज़ लाइक एन अमेजिंग ब्लशर गाइस, मतलब ऐसा कलर आपको किसी और ब्लशर में नहीं मिलेगा ईजिली। और थोड़ा से मैं ले रही हूँ बाय मिलानी, सो यू कैन सी उससे डियोर वाले ब्लशर से थोड़ा डार्क था, बट अगेन इट विल हेल्प टू ऐड डायमेंशन। और आपने लोअर आई कभी नहीं भूलनी, लोअर आई मस्कारा कभी नहीं भूलना, कभी करके देखना, आपको अपने आप फ़र्क पता चल जाएगा कि लोअर आई मस्कारा आप बार बार, मतलब चाहे 6 से 7 बार ही उसको ना सॉफ्टली अप्लाई करते रहो लोअर आई मस्कारा को, तो उससे बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लोअर आई लैशेज हो जाएंगी आपकी। और अब मैं एक इनर कॉर्नर में फिर से हाइलाइटर लगा रही हूँ। सो विद दिस हमारी लुक कंप्लीट हुई। अब बस मैं उनका हेयर स्टाइल सोच रही थी कि क्या करूँ। शी ऑलरेडी लुक सो 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 क्यूट आफ्टर द फुल लुक। आई फील बहुत ही एलिगेंट एंड क्लासी लुक हुआ है इनका। अगर आपको बिंदी बहुत प्रॉपर वे में फिक्स करनी है, तो आप एक लैश ग्लू लगाओ और उसके ऊपर बिंदी को फिक्स करो, इट विल बी स्टक फॉर एवर आई गेस। सो गाइज, अगर आपको लुक अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, एंड आप ये लुक रिक्रिएट करो, एंड कमेंट करके पक्का बताओ मुझे नीचे कि आपको कैसा लगा ये लुक, बिकॉज मैं लिटरली 20 मिनट से भी ऊपर का टाइम लेके कंटिन्यूसली बोल रही थी। सो हम इतना हार्डवर्क करते हैं ना बिहाइंड ईच एंड एवरी वीडियो। सो अगर आप कमेंट कर दोगे लिटरली थोड़े से सेकंड्स निकाल के अपने दिन के, तो हमारा सारा हार्डवर्क वर्थ इट हो जाता है, एंड वी ऑल्सो कम टू नो दैट यू नो यू आर रियली इन्जॉइंग द वीडियोज़। सो आपके लिए और कौन सी वीडियोज़ लाऊं आप मेरे को वो भी बताओ। रेस्ट आई विल गिव माय बेस्ट टू यू गाइस एज ऑलवेज, एंड आप जितने लोगों के साथ शेयर करोगे आई विल बी रियली रियली थैंकफुल। आपने अभी तक जितना प्यार दिया है आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।